अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि हमारे पास रिलेट करता है लॉजिकल गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल। हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल गेट्स हमारे पास कौन कौन से प्राइमरी हैं और कौन कौन से कोलोबरेट होके मर्ज होके नए गेट्स की फॉर्म बनाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए लॉजिकल गेट्स की प्राइमरी टारगेट्स प्राइमरी गेट्स जो हैं उनके कौन कौन से हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि जना लॉजिकल गेट्स हमारे पास ये चेक करना है कि उनके इनपुट्स कितने कॉम्बिनेशन के साथ बन सकते हैं और उनका आउटपुट क्या आएगा। यानी ट्रुथ टेबल ये कहता है कि रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये जो वर्ड मैं लगा रहा हूँ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये किताबों के अंदर एक बुकिश वर्ड है जो कि ज़्यादातर बुक्स में और पेपर्स में ऐसे लिखा जाता है। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? इस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुराद ये है कि कितने किस्म के कॉम्बिनेशन में किसी गेट को इनपुट के तौर पर दे सकता हूँ, वो कौन कौन से मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हैं जो मैं किसी भी लॉजिकल गेट को एज अ इनपुट दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक ब्रीफ केस है, उस ब्रीफ केस के आगे आपने देखा होगा 3 जीरोस या 4 जीरोस का पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम बना होता है। ऐसे ही अगर मैं उस सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर दूं और खत्म करने के बाद सिर्फ एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दूं, ओके सिर्फ एक स्विच लगा दूं जो ऑन ऑफ का है, तो आप बता सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है कि मैं उस ब्रीफकेस को खोल सकूं। मिनिमम कितने कॉम्बिनेशन लगाऊं तो वो ब्रीफकेस खुल जाएगा। पहले के बाद में स्विच लगा, मिनिमम एक स्विच लगा दिया मैंने, यानी मैं ब्रीफकेस के ऊपर से मैंने वो लॉक सिस्टम खत्म करके एक स्विच लगा दिया, तो मैं कितने कॉम्बिनेशन मिनिमम कितने कॉम्बिनेशन में ब्रीफकेस को खोल सकता हूं? वेरी गुड, वन। यानी मैं उसको स्विच को या तो ऊपर रखूंगा या नीचे रखूंगा। मैंने उसको जीरो कर दिया, स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, अब मैं अटेम्प्ट करूंगा खुल रहा है। सेकंड टाइम कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं? 2। वेरी नाइस। यानी एक स्विच के दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मिनिमम होगा 1, मैक्सिमम होगा 2। एक स्विच लगाया था, उसको ऑफ किया, अटेम्प्ट किया नहीं खुला, ऑन किया अटेम्प्ट किया खुल गया। अब इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसकी जगह दो स्विच लगा देता तो मुझे पता लग गया जरा 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 2 पावर 2। इज दैट क्लियर? चलो मैं इन्हीं कॉम्बिनेशन, मैंने कहा कि इनपुट के तौर पे मैं कितने कॉम्बिनेशंस दे सकता हूं, इन कॉम्बिनेशंस को मैं ट्रुथ टेबल में चेक करूंगा और उन इनपुट के कॉम्बिनेशन से कितने आउटपुट जनरेट होंगे वो सामने मुझे ट्रुथ टेबल के अंदर फिजिबली नजर आएंगे। हम देखते हैं लॉजिकल गेट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी गेट्स। ये प्राइमरी गेट्स जो होते हैं ये हमारे पास वो गेट्स होते हैं जिनसे मिलके बाकी गेट्स बनते हैं, इनको प्राइमरी इसलिए कहते हैं। इन प्राइमरी गेट्स के अंदर एक गेट और शामिल है जिसको मैं बफर कहता हूं, जो कि इसमें अभी तक एडेड नहीं है, लेकिन बफर इज द मोस्ट प्राइमरी गेट। इस प्राइमरी गेट को भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं। इस प्राइमरी गेट में अगर मैं बात करूं तो इसका मेरे पास आउटपुट जो ट्रुथ टेबल पे जनरेट होता है, अगर मैं इसमें सिंगल इनपुट होता है, बफर में मुझे क्या होता है सिंगल इनपुट होता है, डबल इनपुट नहीं होता, तो अगर मैं इसको ए दूंगा तो आउटपुट भी क्या आएगा? ए आएगा। इसका मतलब ये हुआ मैं अगर इसको जीरो दे रहा हूं तो आउटपुट पे भी क्या आएगा? जीरो। अगर मैं इसको वन दे रहा हूं आउटपुट पे भी वन आएगा। दिस गेट इज कॉल्ड एज बफर, ये बफर कहलाता है। बफर जो है वो नॉट गेट जो है ये बफर का अपोजिट है, ये बात याद है? यस सर। अब हम जा रहे हैं प्राइमरी गेट्स पे डिस्कस करने एंड गेट को। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर मुझे पता चल गया है कि जनाब मैं इसमें मिनिमम कितने इनपुट दे सकता हूं? 2, और मैक्सिमम 2 से ज्यादा दे सकता हूं। तो यहां मैं फिलहाल मिनिमम 2 इनपुट दे रहा हूं। इन 2 इनपुट का नाम कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, EF हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये वेरिएबल्स हमारे पास, मैं इसमें मिनिमम कितने इनपुट दे सकता हूं? 2 दे सकता हूं। अब इन 2 इनपुट्स का मैंने लेबल किया हुआ है किसके साथ? A और B के साथ। मैंने कहा इनपुट में जो मैं इनपुट दे रहा हूं उन वेरिएबल्स का नाम है A और B। मैं चाहे तो यहां लिख भी लेता हूं A B। ये मैंने इनपुट दिया, इनपुट में अब A के अंदर वैल्यू 2 कॉम्बिनेशन के साथ, हमने कहा एक फॉर्मूला मैंने याद किया था, जब भी 2 वेरिएबल होंगे तो कैसे फॉर्मूला चलेगा, ये फॉर्मूला था 2 पावर 2। ये 2 क्या था? बाइनरी की बेस थी। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है?
टू। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 8। हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है? 16। ये बेसिस है। तो मैंने कहा यहां पर 2 जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकते, या तो 0 होगा या 1 होगा, इसलिए इसकी बेस क्या रखी है? 2 रखी है। बेस हमेशा फिक्स रहेगी, बाइनरी नंबर सिस्टम फिक्स है। ऊपर पावर पे 2 लिखा हुआ है, यानी 2 मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के पास कितने? ए और बी, दो वेरिएबल है, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहां पर मैंने एक्सपेक्ट कर लिया 4 कॉम्बिनेशन है। इस 4 कॉम्बिनेशन के लिए मैंने ऊपर लेबल कर दिया 1 और 2। अगर आपको याद हो 1, 2, 4, 8 इस तरह से चलता है, ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकूं। मैंने पहले दोनों स्विचेस को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, वो क्या बन गया? 0, 0। फिर मैंने 1 वाले को ऑन किया, 2 वाले को ऑफ कर दिया, फिर 2 वाले को ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, तो ये हो गया 0, 1, 2 और ये हो गया 3। क्लियर? ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3, 2 प्लस 1, 3। ये तो हो गए इनपुट कॉम्बिनेशन। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही हो सकते हैं। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जब मैं एंड गेट के साथ दूंगा, तो एंड गेट क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करते वक्त मुझे पता है, जब भी मल्टीप्लीकेशन किसी जीरो के साथ होती है तो आंसर क्या आता है? 0। तो ये सारे 0 आ गए, 0, 0, 0 एंड 1, 1, 1। एनी इशू? अब हम जा रहे हैं डिफरेंट गेट की तरफ, वो है हमारे पास और गेट। और गेट हमारे पास क्या करता है? एडिशन करता है। मैं इसके आगे फिर कोई लेबलिंग कर रहा हूं, ये ए और बी वैसे ही लिखे हुए हैं इनपुट के तौर पे। एडिशन करेगा, द थॉट एंड प्रोसेस इज सेम, वही वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वही बाइनरी की बेस है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहां 4 कॉम्बिनेशन आ गए। मैंने इसको लेबल कर दिया ए और बी के साथ, 1 और 2 वैसे ऊपर लगा दिया। ये स्टार्टिंग में पहले 0 जनरेट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब इसमें मैं प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो किसी भी नंबर के साथ अगर 1 प्लस हो रहा है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1। डिजिटल सर्किट की बात कर रहा हूं, डिजिटल सर्किट में जब भी 1 0 के साथ प्लस होता है क्या आंसर आता है? 1। और 1 1 के साथ प्लस होता है तो क्या आंसर आता है? 1 आता है, कभी 2 नहीं आता, ऐसा ठीक है? हमने कहा कि जनाब यहां पर ए प्लस बी 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया एंड 1 आ गया। फिर हम जा रहे हैं नॉट गेट की तरफ। नॉट किसका अपोजिट था? बफर का अपोजिट था। बेसिकली नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ ये बबल लगा हुआ है, तो ये बबल जिसके आगे भी लगेगा, जिस गेट के भी आगे ये बबल लग जाएगा, वो क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा। नॉट एंड, नॉट और, नॉट एक्सोर, नॉट एक्सनॉर, ये नॉट, ये नॉट का फंक्शन बनाता है। अब इसको मैं नॉट भी कह सकता हूं, इसको मैं इनवर्स भी कह सकता हूं। ये वाहिद गेट है जिसके अंदर इनपुट क्या होगा? 1। क्योंकि बफर के अंदर भी इनपुट कितना था? 1 था। बफर में भी इनपुट 1 था, इसका भी इनपुट क्या होगा? 1 ही होगा। ओके, हमने कहा ये हमारे पास आ गया नॉट गेट। मैं इसके आगे लिखूं ताकि ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है। मैंने ए दिया, ए 0 हो सकता है या ए 1 हो सकता है, ऐसा ठीक है? ए बार लगा दिया। ए बार क्या होता है? ए अपोजिट, ए इनवर्स, ए कॉम्प्लीमेंट। ए बार मतलब ये, तो ये 1 आ गया, 0 था तो 1 हो गया, 1 था तो 0 हो गया। याद रखें पेपर के अंदर आपके पास ये जरूरी नहीं है बार लगा हो, मेजॉरिटी में ये क्या लगा होता है? कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, ए एपोस्ट्रॉफी लगा होता है, ऊपर एक कॉमा लगा होता है, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ऐसे लगा होगा ए, जिसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए एपोस्ट्रॉफी, ए प्राइम भी पढ़ते हैं उसमें, क्या कहते हैं? ए प्राइम भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे उसको। ज्यादातर पेपर के अंदर बार नहीं लगाते, क्योंकि होता है क्या है, जब ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, पेपर टाइप कर रहे होते हैं, तो उस पर जब बार लगाते हैं तो ड्राफ्टिंग में ये बार प्लस माइनस आगे पीछे हो जाती है, तो स्टूडेंट को ये पहचानना मुश्किल होता है ये ए और बी जो लिखे हैं ये बार ए पे था बी पे था, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वो क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी देख के घबराना नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ए प्राइम लिखा हुआ है या ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए अपोजिट है, ए का अपोजिट है। और एग्जैक्टली आगे वाली बात जो बता रहा हूं वो पेपर आपका पार्ट नहीं है बुक का, लेकिन फिर भी समझते हैं। अगर ये ए का एक और मैं कॉम्प्लीमेंट निकालू, ए बार का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालू, तो इसको क्या हो गया? डबल बार हो गई।
तो इसको मैं दो कॉमा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यस सर। जब भी ये ए डबल बार होगी तो वो ए के बराबर होता है। क्यों? जीरो बना था वन और वन दोबारा क्या हो जाएगा? जीरो। वन बना था जीरो, जीरो दोबारा क्या बन गया? वन। तो ये देने देखे ए और ए ए डबल बार दोनों इक्वल है। तो अगर मैं इस तरह की गेट लगाऊं ए नॉट और ए दूसरा भी नॉट लगाया तो ए डबल बार किसके बराबर था? ए के। ये दोनों बराबर थे तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर ये नहीं था कि मैं इसके लिए ए बफर लगा देता, ए देता और ए आउटपुट आता। ये दो गेट्स की वजह से मेरा सर्किट क्या हो जाता? रिड्यूस हो जाता। जहां मैं दो आईसी इस्तेमाल कर रहा था वहां पर मुझे एक आईसी इस्तेमाल करनी पड़ती। बात समझ रहे? तो ये इस तरह से बफर को इस्तेमाल कर आगे चलते हैं। नैंड गेट, नॉट एंड, यानी एंड गेट के आगे क्या लगा होगा? नॉट लगा होगा, नॉट का गेट लगा होगा। बेचते रहोगा जब हमारे पास ये नैंड की आईसी नहीं मिलती मार्केट में, हम कोई काम कर रहे हो नैंड की आईसी ना मिल रही हो तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट पे इसको हम कहते हैं जुगाड़। क्या करते हैं? एंड के साथ नॉट लगा देते हैं, काम वही होता है। क्लियर? पता होना चाहिए किससे मिलकर कौन सी आईसी बनी है। तो हमने क्या किया, एंड हमें कहता है नॉट एंड, एंड का अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं। जब यहां पर आए तो ए और बी दो वेरिएबल्स थे, वैसे ही हमने इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया 00 01 10 एंड 11। इसमें तो कोई मसला नहीं। अब जहां जहां जीरो था जीरो के साथ वहां वहां वन हो जाएगा। क्यों? एंड का अपोजिट है। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, एंड के अंदर क्या आया था? जीरो आया था, उसको इनवर्स किया वन बन गया। तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर जब जहन पे तो सोच रहे हो तो इस तरह सोच लिया गया, मेंटली इस तरह सोचने मैंने जीरो से इनपुट दिया आंसर जीरो आया, जब नॉट लगा तो वन बन गया, फिर मैंने वन जीरो दिया आंसर एंड का क्या आया? जीरो आया, नॉट लगा वन बन गया। क्लियर है? जब मैंने वन वन दिया तो आंसर वन आया, नॉट लगा जीरो हो गया। तो ट्रुथ टेबल को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना आसान होगा। क्लियर है? कहीं गुम तो नहीं होगा? ये अक्सर गुम कर देता है इंसान, परेशान हो जाता है मैं कहां फंसा हूं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं नॉर की बात करूं तो वो किसके बराबर है? नॉट और, काम वही है जो और में हो रहा था उसके पास को क्या कर दो? नॉट कर दो। तो जहां जहां प्लस हो रहा था, अब इसका गेट अलग है, देखिए इसके आगे खाली बबल बना हुआ, तो इसका गेट अलग है। मैं ये इसको आप खाली सब्स्टिट्यूट के तौर पे दिखा रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट ये है। तो हमने कहा कि नॉर में क्या हुआ, नॉर में ये हुआ जहां जहां हमारे पास वन आ रहा था वहां वहां क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो जीरो, अगर जीरो को जीरो के साथ प्लस कर रहा था तो जीरो आता था, इनवर्स किया तो वन हो गया। यहां अगर मैं इनपुट दूं वन जीरो तो वन आना चाहिए, इनवर्स हुआ तो जीरो हो गया। इस तरह से आंसर जनरेट हुआ। क्लियर? इस लॉजिकल गेट्स पढ़ाते पढ़ाते अक्सर बिस्तरों का मुझे बच्चों को आवाज लगानी पड़ती है, जागते रहना। ठीक है, जागते रहना, एक होता है रात में आवाज लगा, जागते रहना जागते रहना होता है। तो क्लास के अंदर खासकर इसको पढ़ाते वक्त बच्चा ड्राउजी हो जाता है, 01 10 10 0 1 10 0 1 10 0 1 10 0 1 0। इस कंडीशन में बच्चा वैसे ही कहता है पता नहीं कौन सा मंत्र पर पढ़ा जा रहा है, मुझे तो नींद आने लगती है। तो ये ड्राउजी कर देता है। तो आप अपने अपने तौर पे एक्टिव रहना। फिर हमारे पास आया एक्सक्लूसिव और का एक्सक्लूसिव है, यानी कौन सा? इसका एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या है, एक कर्व बार एक्स्ट्रा लगी हुई है, बस ये कर्व बार जो है ये एडिशनल लगी हुई है, बाकी इसके आगे बबल नहीं है, है पूरा और गेट, सिर्फ क्या लगा हुआ है कर्व बार एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये कर्व बार क्या कहती है, जहां भी डिफरेंट इनपुट होंगे, डिफरेंट इनपुट आंसर वन, डिफरेंट इनपुट आंसर वन, इसकी एक्सप्रेशन क्या कहती है, ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी और प्लस के साइन को हमने क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। ये इसकी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी होल बार, होल बार से क्या मुराद है, यानी ए प्लस बी करो उसके बाद उसका इनवर्स करो, होल बार का मतलब क्या होता है फिर उसके बाद उसका इनवर्स करो। तो ये आपके पास मैथमेटिक्स में इसी तरह पढ़ा जाता है ए मल्टीप्लाई बाय बी होल बार, ऐसे नहीं कहा जा रहा ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, ये एक डिफरेंट बात है, यानी पहले ए को इनवर्स करो फिर बी को इनवर्स करो फिर आपस में मल्टीप्लाई करो,
यहां पर है a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर। a मल्टीप्लाई बाय b का मतलब यू है पहले a मल्टीप्लाई बाय b कर लो उसके बाद उसका इनवर्स करो। यहां पर भी कह रहा है a प्लस b और उसके बाद प्लस साइन को उसने सर्कल अप कर दिया। ये कह रहा है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है? डिफरेंट इनपुट्स आंसर वन। तो डिफरेंट इनपुट कहां आ रहे हैं? 0 1 1 0 इन दोनों पे वन आएगा, बाकी सिमिलर इनपुट्स पे 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? और एक्सक्लूसिव नॉर ये रहा, इसका एक्सक्लूसिव। इसमें भी क्या हुआ? एक कर्व बार एक्स्ट्रा है ये नॉर गेट ही, सिर्फ ये कर्व बार इसको मैं एक्सक्लूसिव कह रहा हूं। इस एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर क्या हुआ? सिमिलर इनपुट्स आउटपुट वन, यानी इसका अपोजिट है। एक्सक्लूसिव और का अपोजिट है। इसमें क्या हुआ? इसमें मैं इस बार को ऊपर से खत्म कर दूं ताकि आपको पढ़ना आसान हो। ये एक्सप्रेशन जो थी ये एक्सक्लूसिव और की थी। जब इसके ऊपर मैं बार लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा, नॉट एक्सक्लूसिव। नॉर का मतलब क्या है? नॉट एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये a प्लस b जो था जो सर्कल के साथ एक्सक्लूसिव हुआ था, इस पे मैंने बार भी लगा दिए तो ये बन गया एक्सक्लूसिव नॉर। यहां पर देखेंगे 0 0 1 और 1 1 1 जहां डिफरेंट इनपुट्स थे उसको मैंने जीरो कर दिया। तो ये लास्ट के जो दो गेट्स हैं इसमें ये हुआ एक्सक्लूसिव और के अंदर। एक्सक्लूसिव और के अंदर डिफरेंट इनपुट्स आंसर वन, और एक्सक्लूसिव नॉर के अंदर सिमिलर इनपुट्स आंसर वन। याद रखें ये तमाम गेट्स जो हैं ये आपको बाय प्रैक्टिस आएंगे। ये खाली समझने का ऐसा नहीं कि आप खाली बोर्ड पे समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जाके इसको गो थ्रू करना पड़ेगा, नेट से भी पढ़ना पड़ेगा, आपके इसके आपके इंट्रोस टेबल को भी देखना पड़ेगा। आपको खास कर अपने टॉपिक्स को बुक से, नेट से या दूसरी रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखें कि टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चे को खुद अपनी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं वो कब करते हैं? जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरी पढ़ाई हुई बात को तो आप ओबे कर लेंगे, चाहे इस वक्त अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन इसको पंच कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट का कंक्रीट हो जाना। कॉन्सेप्ट कंक्रीट जब होता है जब आप इसको थॉरली घर से जाके सिलेबस के लिहाज से, कोर्स के लिहाज से पढ़ते हैं या एडिशनल कोई वीडियोस देखते हैं, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। यार ये चीज हाँ, यार इस तरह से था, ये इस तरह से था। अभी हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे थ्री वेरिएबल्स के साथ।